सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेक्निकल लॉग्स। सो गाइज, आज के में बात करेंगे होंडा एक्टिव 125 BS6 के स्पोर्ट्स एडिशन या कि नए एडिशन के बारे में। देखते हैं इंडिया में तो लॉन्च होने वाली, क्या इसकी प्राइस होने वाली और बाकी चीज़ें देखेंगे। तो चलो गाइज, जल्दी से वीडियो को जल्दी से अपन शुरू कर लेते हैं। They still got the nerve to tell me it's one in a million, ay. Well, I still love the odds, they think it's a game, then I guess I'm a mob when it comes to that. ओके गाइस, जो सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा कि यार ये स्पोर्ट्स एडिशन क्या, मतलब एक्टिवा 125 का नया वेरिएंट आना चाहिए ना स्पोर्ट्स एडिशन कैसे। अगर आपको पता है एक्टिवा 125 का कभी कॉम्पिटिटर कौन है, देखो एक्टिवा 6G की बात करें तो अभी फिलहाल जुपिटर और ये माइस्ट्रो वगैरह ये सब है। 125 CC के सेगमेंट में इसका एक तो एक्सेस 125 है, उसको भी ज़्यादातर लोग अपना 6G के सेगमेंट में देखते हैं। तो मेनली आता है एक, अगर नाम गैस कर सको तो करना, TVS Ntorq 125, ठीक है गाइस, वही आता है। अब मेनली लोग एक्टिवा 125 से TVS Ntorq में क्यों जाते हैं गाइस, क्या रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको क्या रीज़न है। जितना मेरे को फीडबैक पता है लोगों का, लोग मेरे कमेंट में जैसा कहते हैं गाइस, मेन रीज़न ये है, जो यंग लोग हैं ना, जिनकी एज यंग है, मतलब ज़्यादा जिनको स्पीड और परफॉर्मेंस से मतलब है, ठीक है, तो वो Ntorq की तरफ जाते हैं, एक्टिवा 125 को छोड़ देते हैं, कहते हैं पुरानी मॉडल है और ये सब है। गाइस क्यों कहते हैं, BS6 तो इसमें भी है, TVS में भी, क्या डिफरेंस है, इंजन रिफाइनमेंट का डिफरेंस है गाइस, ये माइलेज के लिए बनी है एक्टिवा 125, इसलिए जो इसका जो नॉर्मल वेरिएंट आता है उसमें माइलेज ज़्यादा होती है, पिकअप थोड़ा सा कम होता है, इनिशियल पावर बाकी स्पीड वगैरह तो काफ़ी सही रहती है। तो होंडा ने देखा यार, स्पोर्ट्स सेगमेंट के अगर बंदे हैं वो अगर Ntorq ले रहे हैं तो इनका मार्केट शेयर कम हो रहा है, तो ये इसमें भी घुसना चाहते हैं, इसलिए एक्टिवा 125 का स्पोर्ट्स एडिशन आएगा गाइस इसके में। तो स्पोर्ट्स एडिशन में क्या होगा, पिकअप वगैरह अच्छा होगा, आप देख सकते हो सामने डिस्क ब्रेक लगे हैं, अलॉय व्हील्स हैं, अलॉय व्हील्स तो 125 में भी आते हैं, डिस्क ब्रेक भी आते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होगी इंजन रिफाइनमेंट, वो एक्टिवा 125 BS6 के स्पोर्ट्स एडिशन में गजब की आने वाली है गाइस। पिकअप काफ़ी अच्छा होने वाला है, साउंड भी हो सकता है जो Ntorq में आती है थोड़ी बाइक टाइप में, थोड़ी मतलब अच्छी साउंड आती है उसमें, तो उस तरह की साउंड आएगी इसमें। एग्जॉस्ट भी आप देख सकते हो वीडियो में, डिफरेंट टाइप है, ठीक है, नॉर्मल एक्टिवा से जो 125 आती है। तो गाइस मेनली इसका यही है, और हो सकता है 125 छोड़ के होंडा जंप लगा ले, 150 CC की एक्टिवा 150 ले आए, ठीक है, मतलब मैं जस्ट कह रहा हूँ है ना, अगर इसका अपग्रेडेड हायर एंड कोई वेरिएंट आता है तो उसमें 150 CC का इंजन हो तो Ntorq तो कुछ भी नहीं होगा उसके सामने। अरे अपने को पता नहीं यार, होंडा कुछ भी कर सकता है, लॉन्च करे तो गाइस देखो 2021 के एंड तक कर सकता है, 22 भी लग सकती है, 23 भी लग सकती है, क्योंकि आपको पता है कोरोना चल रहा है। प्राइस वही 90,000 की और 150 CC वाली की 110,000 से 120,000 तक जाएगी। गाइस आप देख लेना, गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। कोरोना का टाइम है, घर पर सुरक्षित रहना, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, मिलता हूं आपसे अगले, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।